आशा दीदी, आज मैं आपको ना स्मूदी बनाना सिखाऊंगी, फ्रूट स्मूदी। करते हैं तो इधर सबसे पहले फ्रूट्स चाहिए। ये कीवी है, इसको पील करके कट करके डाल देना है। और इसको मीठा होना चाहिए, नहीं तो फिर खट्टा खट्टा अजीब सा लगता है। और ये स्ट्रॉबेरीज हैं, नहीं हो तो चलेगा। और ये टू बनानास, ये है मस्क मेलन, खरबूजा भी चाहिए पड़ेगा। और उसके बाद ब्लैक ग्रेप्स एंड ये एक पोमीग्रेनेट। मस्क मेलन नहीं हो तो चलेगा, मतलब कोई भी फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए बस। तो ये सारे फ्रूट्स आपको चाहिए, तो इसमें मैंने डाल लिए हैं ये टू बनानास और वन पोमीग्रेनेट और 8 to 10 ब्लैक ग्रेप्स हैं। अब हमें हनी चाहिए, हम लोग डाबर हनी यूज़ करते हैं। कोई भी हनी चलेगा, बट हम लोग डाबर वाला यूज़ करेंगे। और हमें चाहिए अबाउट 2 1/2 टीस्पून, नॉट मच, बट अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप और अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आई एम पोरिंग दिस हनी इन दिस जार। तो अभी इतना दही चाहिए, अबाउट 2 टीस्पून है, इतना ही डालना है। तो पोर कर लेते हैं। नाउ वी नीड 1/4 कप मिल्क। नाउ वी विल स्टार्ट आवर मेन प्रोसेस। हमको इसको ठीक से ब्लेंड करना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। कुछ कुछ बीटरूट जैसा लग रहा है ये। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बताना भूल गई, अब इसमें एप्पल भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल पाई क्योंकि ये यही बचा था बेचारा, बट ये बहुत पुराना है तो मैं नहीं डाल सकती। दिस वन फॉर मम्मा, दिस इज फॉर मी। अब तो हम कट करेंगे। थी मेरी स्मूदी की रेसिपी।